हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी टू कलर की डिज़ाइन। आप इसे किसी भी बच्चे के स्वेटर में, जैकेट पे, कार्डिगन पे, बेबी कैप, बेबी सॉक्स, कहीं भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी हमारी ये डिज़ाइन है। तो आज के वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 9 9 के मल्टीपल फंदे चाहिए। प्लस 2 कर देंगे तो ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने 9 के मल्टीपल 36 फंदे लिए हैं प्लस 2, तो टोटल हमारे यहाँ 38 फंदे हैं, जिसमें मैं ये डिज़ाइन आपको बना के देखती हूँ। तो आइए इसकी देखते हैं फर्स्ट रो। और देखिए, इसमें सबसे पहले हमारा ग्रीन कलर आएगा, 1 2 फंदे ग्रीन। और अब यहाँ पर हम वाइट कलर लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। तो वाइट कलर से 1 2 3 4 5 6 7 हमारे वाइट से। अब हम 2 ग्रीन 7 वाइट पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं। 1 2 फंदे ग्रीन, 1 2 3 4 5 6 और 8 7, फिर हमारे 2 ग्रीन हो जाएंगे और 7 फंदे वाइट के। ये देखिए, 2 ग्रीन 7 वाइट करते आएंगे तो लास्ट वाले जो 2 फंदे ग्रीन के हैं, इन्हें हम ग्रीन से बनाएंगे। ये देखिए, अब हम रो नंबर 2 पे आ गए हैं, जिसमें 1 2 फंदे हमारे ग्रीन के। अब हमारा वाइट 1 2 3 4, ये 4 फंदे वाइट के बाद हमारा फिर ग्रीन आएगा, 1 2 3 4 5 हमारे ग्रीन से। तो शुरू के 2 ग्रीन को छोड़ करके अब हम 4 वाइट 5 ग्रीन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 हमारे वाइट से, 1 2 3 4 5 हमारे ग्रीन। फिर हम 4 फंदे वाइट के बनाएंगे और 5 फंदे ग्रीन। इस तरह से इस पूरी रो को हमें बनाना है। तो हम बना करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 2 रो मैंने बना ली है। अब हम रो नंबर 3 पे हैं, जो रो नंबर 1 की तरह बनेगी। इसमें भी देखिए, 1 2 फंदे हम ग्रीन के करेंगे और 7 हमारे वाइट, 1 2 3 4 5 6 और 8 7। फिर इन्हीं फंदों को हम रिपीट करेंगे, 1 2 फंदे ग्रीन, 1 ये 2 3 4 5 6 और 8 7। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को बनाना है। ये देखिए, जब इन्हीं फंदों को हम रिपीट करते आएंगे तो लास्ट में 2 फंदे हमारे ग्रीन के हो जाएंगे। ये हमारी रो नंबर 4 है, जो रो नंबर 2 की तरह ही बनेगी। तो शुरू के 1 2 फंदे हमारे ग्रीन के रहेंगे और अब 1 2 3 4 फंदे वाइट, 1 2 3 4 5 हमारे ग्रीन से। अब हम इस 2 ग्रीन को छोड़ करके 4 वाइट 5 ग्रीन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। ये 1 2 3 4 हमारे वाइट और 5 फंदे ग्रीन, 1 2 3 4 5। ये देखिए, रो 4 तक हमारी इस तरह से ये डिज़ाइन बनी है। अब हम रो नंबर 5 पे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा ये ग्रीन आएगा, 1 2 3 4 फंदे ग्रीन,
वन वाइट, वन ग्रीन, वन वाइट, वन ग्रीन और वन हमारा वाइट। तो वाइट के देखिए ये वन टू थ्री बार एक एक फंदे हमारे वाइट के आए हैं। अब हम फोर ग्रीन से लेकर इस वन वाइट तक की डिज़ाइन को पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं, ये वन टू थ्री फोर फंदे ग्रीन, वन वाइट, वन ग्रीन, वन वाइट, वन ग्रीन और वन हमारा वाइट। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए जब इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए आएंगे तो लास्ट में दो फंदे हमारे ग्रीन कलर से रहेंगे। ये देखिए रो नंबर सिक्स, जिसमें शुरू की ये वन टू फंदे हमारे ग्रीन से रहेंगे, वन वाइट, इस ग्रीन को ग्रीन करेंगे, फिर हमारा वन वाइट, वन टू फंदे ग्रीन और वन हमारा वाइट। अब ग्रीन कलर से वन टू थ्री फंदे ग्रीन। तो शुरू के दो ग्रीन को छोड़ करके अब इस वन वाइट से लेकर थ्री ग्रीन तक के डिज़ाइन को हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है। तो एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं, ये वन वाइट से हम रिपीट करेंगे, वन वाइट, वन ग्रीन, वन वाइट, वन टू फंदे ग्रीन, वन हमारा वाइट, वन टू थ्री फंदे ग्रीन। तो इसी तरह से इस पूरी रो को बना करके फिर दिखाते हैं। ये देखिए रो सिक्स तक हमारी डिज़ाइन इस तरह से बनी है। अब हम रो नंबर सेवन पे हैं, जिसमें शुरू में पहले हमारा ग्रीन को ग्रीन से करेंगे। तो वन टू फंदे ग्रीन, वन वाइट, वन टू थ्री हमारे ग्रीन से, वन वाइट, वन ग्रीन और वन हमारा वाइट। तो ये एक डिज़ाइन हो गई। अब हम इस टू ग्रीन से लेकर वन वाइट तक की डिज़ाइन को पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं, वन टू फंदे ग्रीन, वन वाइट, वन टू थ्री हमारे ग्रीन से, वन वाइट, वन ग्रीन और वन हमारा वाइट। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए जब हम इन्हीं फंदों को रिपीट करते आएंगे तो ये लास्ट वाले वन वाइट के बाद टू फंदे जो हमारे एक्स्ट्रा वाले हैं वो ग्रीन कलर से ही बनेंगे। और ये देखिए अब हम रो नंबर एट पे आके हैं, तो रो नंबर एट और नाइन दो सिलाइयाँ हम ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। तो उल्टी तरफ से भी सारे फंदे हमारे ग्रीन से बनेंगे और सीधी तरफ से भी एक सिलाई पूरी हमारी ग्रीन से बनेगी। तो रो नंबर एट और नाइन पूरी ग्रीन से बना करके फिर उसके बाद की डिज़ाइन हम आपको बताते हैं। ये देखें मैंने ग्रीन कलर से दो सिलाइयाँ बना ली हैं, तो हमारी डिज़ाइन ये इस तरह से दिख रही है। और ये डिज़ाइन अब नाइन रो में मेरी बन गई। और फिर यही नाइन रो की डिज़ाइन अब हम बैक साइड से भी बनाएंगे, तो वो भी हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो अब ये रो नंबर हमारी टेन हो जाएगी। तो इसमें भी देखिए रो वन की तरह बनाएंगे, वन टू फंदे ग्रीन से करेंगे और सेवन फंदे वाइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और एक सेवन। अब इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है, वन टू फंदे ग्रीन और सेवन हमारे वाइट से। ये टू हो गए, थ्री फोर फाइव सिक्स और एक सेवन, फिर टू फंदे हमारे ग्रीन के। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। ये देखें अब हम रो नंबर 11 पे आ गए हैं, जिसमें शुरू में हमारा ग्रीन कलर आएगा। ये वन टू थ्री
4, 5 फ्रॉम दी ग्रीन और हमारा वाइट कलर से 1, 2, 3, 4 हमारे वाइट। अब हम 5 ग्रीन 4 वाइट पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। ये 1, 2, 3, 4 5 बंदे वाइट और 1, 2, 3, 4 हमारे ग्रीन से। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए अब पूरी रो को बनाना है। और ये देखिए, जब हम इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए आएंगे तो लास्ट में 4 फंदे वाइट के बाद सिर्फ 2 फंदे ही हमारे ग्रीन से रहेंगे। और ये हमारी रो 12, इसमें भी देखिए रो 1 की तरह बनेगी। 1, 2 फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे और 7 फंदे वाइट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, 7 फिर 2 फंदे ग्रीन और 7 वाइट करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए, अब हम रो 13 पे हैं, जो रो 11 की तरह बनेगी। इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमारे ग्रीन के हो जाएंगे और 1, 2, 3, 4 वाइट। अब इन्हीं फंदों को हमें पूरी रो में बार बार रिपीट करना है। तो एक बार और रिपीट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 हमारे ग्रीन से और 1, 2, 3, 4 बनते वाइट। ये देखें, रो 14 में 1, 2 फंदे ग्रीन, 1 वाइट, 1 ग्रीन, 1 वाइट, 1 ग्रीन, 1 हमारा वाइट, 1, 2, 3, 4 हमारे ग्रीन से। अब इस पहले वाले 2 ग्रीन को छोड़ करके 1 वाइट से लेकर 4 वाइट तक की डिज़ाइन को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। तो एक बार और रिपीट करते हैं। 1 वाइट 1 ग्रीन 1 वाइट 1 ग्रीन 1 वाइट 1, 2, 3, 4 फंदे ग्रीन के। और ये देखिए, यहाँ पे 1 वाइट 1 ग्रीन किया तो 1, 2, 3 तीन बार एक एक फंदे वाइट के आए हैं। देखिए यहाँ भी 1, 2, 3 तीन बार एक एक फंदे वाइट के। तो इसी तरह से इस पूरी रो को बनाना है। ये देखिए, रो 15 में ये 1, 2, 3 फंदे हमारे ग्रीन के, 1 वाइट 1, 2 ग्रीन 1 वाइट 1 ग्रीन और 1 हमारा वाइट। अब 3 ग्रीन से लेकर इस 1 वाइट तक की डिज़ाइन को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। तो एक बार और रिपीट करते हैं। 1, 2, 3 फंदे ग्रीन, 1 वाइट 1, 2 ग्रीन 1 वाइट 1 ग्रीन और 1 हमारा वाइट। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए इस पूरी रो को बनाना है। ये देखिए, जब इन्हीं फंदों को रिपीट करते हुए आएंगे तो लास्ट के 2 फंदे हमारे ग्रीन कलर से होंगे। ये देखिए, रो 16 जिसमें शुरू के ये 2 फंदे ग्रीन को ग्रीन करेंगे। अब हमारा 1 वाइट 1 ग्रीन 1 वाइट 1, 2, 3 फंदे ग्रीन, 1 वाइट 1, 2 हमारे ग्रीन से। अब शुरू के 2 फंदे हम छोड़ देंगे। अब 1 वाइट से लेकर 2 ग्रीन तक की डिज़ाइन को हमें पूरी रो में रिपीट करना है। तो एक बार और रिपीट करके दिखाते हैं। 1 वाइट से हम स्टार्ट करेंगे। 1 वाइट 1 ग्रीन 1 वाइट 1, 2, 3 हमारे ग्रीन से।
वन वाइट वन टू फंदे क्रीम। तो इसी तरह से इस पूरी रो को हम बनाएंगे। ये देखें रो 16 तक ये हमारी डिज़ाइन बन गई है। अब हम रो नंबर 17 और 18 सिर्फ ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। तो दो सिलाइयाँ बनाकर फिर दिखाते हैं। ये देखें दो सिलाइयाँ मैंने ग्रीन कलर से बना लिए। तो हमारी ये डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुकी है। नीचे की डिज़ाइन हमारी 9 रो में बनी थी और ऊपर की डिज़ाइन फिर एक 9 रो जो बैक साइड से स्टार्ट हुई थी। तो इस तरह से 18 रो में हमारी ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। और इसके बाद फिर रो नंबर 1 से लेकर के रो नंबर 18 तक की डिज़ाइन को जब हम बार बार रिपीट करेंगे तो देखिए कितनी खूबसूरत हमारी डिज़ाइन ये बन के आई है। ये देखिए इन्हीं फंदों को जब मैंने बार बार रिपीट किया है तो कितनी खूबसूरत और प्यारी सी हमारी डिज़ाइन बन के आई है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।